मैंने अपना नाम बताया अनीश, कह लगा कि कहाँ का रहने वाला है, मैंने दिल्ली का रहा, नहीं तो दिल्ली का नहीं है, तो बांग्लादेशी है। उन्हें वहाँ के लोकल MLA और MPs का लेटर भी लिया है, वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन लेटर तक है। मैंने उनसे कहा, मैं नहीं, ना तो मैं बांग्लादेशी हूँ ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ का, मेरे माँ बाप यहाँ है, सब कुछ मेरा यहाँ पे है, पर यह है कि मैं दिल्ली से काम करने यहाँ आया। इस बात तो उन्होंने मुझे मारना चालू करा, और मारने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि इसको शाम तक यहाँ से अपने खाली करके यहाँ से चले जाओ। बेंगलुरु सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एक खबर दर्दनाक सामने आई है, जहाँ पर वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, दिल्ली से, यूपी से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स बेंगलुरु शहर के अंदर गली कूचे में जाकर कचरा चुनते हैं, कचरे को उठाकर उसे एक जगह लेकर जाकर उसे पाक साफ कर उसे बेचते हैं, बेचकर अपने पेट को पालते हैं, अपना गुजरान चलाते हैं। ये लोग सब गरीब हैं, मुस्तैक हैं, बेसहारा हैं, बेंगलुरु के गली कूचों में आकर कचरा चुनकर अपने पेट को पालते हैं। लेकिन अफसोस की खबर सामने ये आई है कि बेंगलुरु सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो बड़ा इलाका है जहां पर हेब्बागुड़ी इलाका पुलिस स्टेशन भी आती है, वहां पर इस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसरान जो देश के लिए होते हैं, जो इंसान के लिए होते हैं, इंसान की मदद के लिए होते हैं, ये इनके कारखाने पर पहुँचते हैं, पहुँच कर इन्हें बुरी तरीके से मारते हैं, यहाँ तक कि इन्हें ज़ख्मी कर देते हैं, और कुछ लोगों को इस तरीके से मारा जाता है जिनका हाथ तक फ्रैक्चर हो जाता है। जिनके ऊपर ये जुल्म और ज़्यादती हुई है उनसे हमने बराह रास्त बात की है, रूबरू बात की है, आइए इनके साथ जो जुल्म हुआ जुल्म को एक मरतबा आपको सुनाते हैं। जी बताइए, क्या मसला आपके साथ पेश आया? मसला क्या पेश आया? मसला ये है कि मैं दिल्ली से आया यहाँ बेंगलोर में काम करने, मैंने यहाँ कुछ ज़मीन किराए पे ली और वहाँ मैंने कबाड़े का काम चालू करा। पुलिस वाले आए, काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ मैं, 3-4 साल हो गए, पर अभी 2-3 दिन से पुलिस वाले आके परेशान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे जो आए हो तो कहाँ से आए हो? मैंने बोला दिल्ली से। बोल रहे तुम दिल्ली के नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो। मैंने उनसे बोला, सर हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम यहीं के हैं, हमारी पैदाइश सब यहीं की है, दिल्ली के सारे मेरे कागज़ सारे प्रूफ हैं। मैंने उनको अपने सारे प्रूफ दिखाए और उन्होंने प्रूफ देखते ही मुझे मारना चालू करा, कह रहा तेरा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया अनीश, कह लगा कि कहाँ का रहने वाला है, मैंने दिल्ली का रहा, नहीं तो दिल्ली का नहीं है, तो बांग्लादेशी है। मैंने उनसे कहा, मैं नहीं, ना तो मैं बांग्लादेशी हूँ ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ का, मेरे माँ बाप यहाँ हैं, सब कुछ मेरा यहाँ पे है, पर यह है कि मैं दिल्ली से काम करने यहाँ आया। इस बात तो उन्होंने मुझे मारना चालू करा, और मारने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि इसको शाम तक यहाँ से अपने खाली करके यहाँ से चले जाओ। तो मैंने कहा, मैंने क्यों चले हैं कि तुम बांग्लादेशी हो? मैंने उनसे कहा, मैंने हम बांग्लादेशी नहीं हैं, अगर आप कहो तो मैं दिल्ली में जो पुलिस थाना है मैं वहाँ से रिपोर्ट आपको इंक्वायरी करके मंगवा सकता हूँ, वहाँ के MLA से भी कागज़ मंगवा सकता हूँ। वो नहीं माना, और मानने के बाद वो मार तोड़ के जो है हमको और हमारे साथ में कुछ कलकत्ता के भी रहने वाले हैं यहाँ पे, कलकत्ता के हैं, उनको भी मारा और उनको सबको धमकी दे के गए कि अगर शाम तक तुम यहाँ से नहीं गए, अगर यहाँ से खाली नहीं करा तो रात को हम आएंगे, फिर तुम्हें मारेंगे और कल को जो है यहाँ पर आग लगा देंगे और बिल्डोजर ला के इसको सबको तोड़ फोड़ जाएंगे हम। लेकिन जब आपके पास वो आए तो कोई नोटिस लेकर आकर आपको? नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ आए और उन्होंने गेट खोला, मैं अंदर बैठा हुआ था, आते ही उन्होंने मुझे जो है ये कहा कि हमने तुमसे कल बोला था खाली करने को, तुमने अब तक खाली नहीं करा, अब वो कल मुझसे बोल के गए, अब एकदम सुबह कैसे खाली हुआ? उन्होंने छूटते ही मुझे मारना चालू कर दिया। बेंगलुरु के किस इलाके में ये हिंसा आपके साथ? ये हुई है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो साईं बाबा टेम्पल से आगे है। वो थाना ऐसी कुछ है, हेडवुडी थाना है, हिपगुड़ी थाना। अभी आपको कहाँ चोट लगी, क्या जख्म लगे आपको? जख्म मेरे ये हाथ में मारा है, जो इसमें फ्रैक्चर आया है, अभी मैं जो हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ मेरा एक्स्ट्रा सारे काम हुए हैं, इसमें फ्रैक्चर है। बेंगलुरु के किस हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है? सर बेंगलोर का इसका हॉस्पिटल का नाम कोरिंग हॉस्पिटल। ये मेरा आधार कार्ड है जो मेरे घर का दिल्ली का है, ये मेरा वोट कार्ड है, पहचान पत्र, ये मेरा राशन कार्ड है मेरा घरवाली का, ये ID मेरे घर पे रह गई, ये मेरा पैन कार्ड है, फोटो कॉपी है पैन कार्ड की, पैन कार्ड मेरा चोरी हो गया जेब में से निकल गया।
ये मेरा लाइसेंस है दिल्ली का। जिस तरीके से इनके ऊपर जुल्म हुआ, ये लोग एडवोकेट सिराजुद्दीन साहब के पास पहुंचे और उनसे इंसाफ की उम्मीद और गुहार लगाए। तो एडवोकेट सिराजुद्दीन जो हैं, किस तरीके से कानूनी दायरे में इसका काम कर रहे हैं और किस तरीके से इन पुलिस ऑफिसरान को सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, तो इस बात को जानने के लिए हम एडवोकेट सिराजुद्दीन साहब के ऑफिस पहुँचे और उनसे हमने बराह रास्त सवाल किया कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने खसूसी हमसे बात करते हुए इस सारे मामले की जो जाँच चल रही है, जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसकी तफसीली अंदाज में बयान दिया है। एक मरतबा आपको सुनाते हैं, इस क्लिप को जरूर सुने। सर, जिस तरीके से बेंगलुरु शहर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया जहां पर पुलिस का जुल्म साफ नजर आ रहा है, ये खबर हमें मिली कि ये जुल्म भी हुआ है और इसकी जांच जो करवा रहे हैं आपकी जानिब से, ये हो रहा है कानूनी कार्रवाई, तो इस मसले को हम जानना चाहते हैं, नाजरीन को बताना चाहते हैं कि क्या मसला असल में पेश आया। तो ये क्या हुआ है, ये जो मुर्शिदाबाद नादिया के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के रहने वाले चंद जो कचरा चुनने वाले हैं, रैक पिकर जिसको बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे गरीबी की वजह से आके यहाँ पे काम करके हैं शिकारी पड़े इलेक्ट्रॉनिक लिमिट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी लिमिट्स में। तो उनका काम यह है कि सवेरे से लेकर शाम कचरा चुन कर वो लेके जाके गुजरी में डालते हैं, वहाँ पर उनके गोडाउन में प्लास्टिक के फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे कचरा पैक करते हैं, फिर वो वेस्ट जो भी करके उनका रोज़ाना का गुजारी करते हैं। तो ऐसे हालत में यहाँ पे 150-200 बंगालीस हैं जो इंडियंस हैं, तो वो लोग वहाँ पे शिकारी पड़ले लिमिट्स में रहते हैं, हेपगुड़ी पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं। तो हेपगुड़ी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जगदीश, सब इंस्पेक्टर गिरीश, फिर वीरेश और उनके और जो क्राइम स्टाफ जो भी है, वो लोग इन लोगों को जाना, तकलीफ़ देना, मारना, लॉकअप में डालना, 6 दिन 8 दिन रखना, फिर उनके पास से पैसे लेना, फिर उनको छोड़ना, ऐसे कर रहे हैं। वो गरीब बेचारे रोज़ाना कचरा चुन के क्या कमाते हैं, 10-20-100-200-300 जो उनका गुजारा हो सकता है उतना कमा रहे हैं। तो ऐसे हालात में उनको मार के तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। तो इसके परसों 2 दिन पहले इनको हाथ को फ्रैक्चर हुआ, एक आदमी को मारे हैं जिसकी वजह से हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वो बोरिंग हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, उन्होंने मेरे पास शिकायत लेके आए। तो इसकी वजह से हमने सुपरिटेंडेंट लक्ष्मीकांत को और DIG को, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, IG ऑफ ह्यूमन राइट्स को, चेयरपर्सन को, फिर DGP को, IG को, सबको लेटर दिया है ताकि ये जो हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, अभी वो इंडियंस होने के बावजूद भी उनको बांग्लादेशी, तुम बांग्लादेश को जाओ बोल के उनको तकलीफ़ देना, ये एक अलग रकम का ये कैस्टिज़म है, ये गलत है, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। फिर उनके पास जब उन्होंने वहाँ के लोकल MLA और MPs का लेटर भी लिया है, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन लेटर तक है कि हाँ ये बंगाली से यहाँ के रहने वाले, मुर्शिदाबाद और नादिया के रहने वाले हैं बोल के, वो होने के बाद भी वो बोलते हमने तुमको बांग्लादेशी बोल दिया तो बोल दिया, तुम बांग्लादेशी हो। तो एक रकम का जुल्म है, और मारना तोड़ना, कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट, जो कानून किसी को इजाज़त नहीं देता, पुलिस इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो, उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हमने केस भी दर्ज किया, ह्यूमन राइट्स में केस भी दर्ज हुआ है। तो इसकी कार्रवाई की मांग की है, और दूसरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से हमने इनकी सस्पेंशन की मांग की है, लेटर भी दिया है।